एक तो बात बताना भूल गई थी मैं बहुत दिनों से। मेरी जो वीडियो की क्वालिटी थी वो थोड़ा ब्लर आता था जब मैं वीडियो बनाती थी, और अभी जब से मैंने वन प्लस फ़ोन आया है मेरे पास उसके बाद तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, मतलब हो गई क्या है ही उसके अंदर। और मैं बताना भूल गई थी कि थोड़ा सा तो बताना ही होता है कि आपने जो फ़ोन लिया उसके बारे में, ताकि औरों को पता लगे। तो वन प्लस लिया है मैंने और बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, और इसका वीडियो क्वालिटी तो मुझे मुझे लगता है ऐसा, जब मैं वीडियो देखती हूँ खुद की तो मुझे लगता है जैसे मैं सामने अपने आप से ही बात कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ोन है वो। बस यही रिव्यू देना था मुझे। आज निकली हूँ बाहर इतने टाइम के बाद, और हम लोगों की आदत क्या होती है, वैसे ऐसी होनी नहीं चाहिए, हर लेडीज की आदत है ये। जैसे सब्जी के साथ धनिया ले लेते हैं ना, अभी मैंने मौसमी का रेट पता किया तो 10 रुपये एक्स्ट्रा था, तो मैंने इससे नहीं लिया, और मुझे लगता है सामने जो मंडी लगती है वहां से लूंगी तो 10 रुपये कम में देगा, क्योंकि यहाँ पे सेब इतना महंगा बता रहा था। कल शाम को ही, रात को ही मैंने सेब लिया, इतने सस्ते लिए और सेम क्वालिटी के थे। और अभी मैं कह रही थी ना कि आज मेरा कहीं लंच करने का मूड बन रहा है, तो बस मैं निकल गई हूँ। लंच क्या करूँगी, बस वही छोले छोले कुलचे जो होते हैं उसी के पास जाऊँगी खाने के लिए। और गाड़ी की लाइट मैंने कई रोज से देख रही थी मैं कि गाड़ी की लाइट खराब हो रही है, क्योंकि लाइट पूरा दे नहीं रहा था गाड़ी का ना। मैंने परसों दिखवाया था तो देखा कि एक लाइट खराब हो रही है, मैंने सोचा कि लाइट ठीक करवा लूँ। तो सब्जी क्या क्या है ये देखिए, माय ऑल टाइम फेवरेट। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसा है कि मैं सिर्फ यहीं का खाती हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे रास्ते में राह चलते कहीं भी ये छोले कुलचे वाला दिख जाएगा तो मैं वहाँ पे खा लूँगी, नेवर। मुझे हर जगह पसंद नहीं आता, मैं सिर्फ यहीं का खाती हूँ। और मुँह का टेस्ट मेरा ख़राब हो रहा था कई रोज से, तो मैंने सोचा कि चलो खा लिया जाए। और एक तो गाड़ी का लाइट भी ठीक कराना था, क्योंकि शाम को अगर निकलती हूँ तो गाड़ी की लाइट ठीक नहीं हो सकती। देखने के लिए तो शाम को ही होता है, लेकिन मैं ठीक नहीं करवा सकती क्योंकि उसके दुकान पे जाना होता है, उनको भी दिखाई नहीं देगा ज़्यादा। और कल मैंने 2 किलो सेब लिया था अपने सिस्टर के लिए और अपने लिए, तो मैं गाड़ी में ही छोड़ गई थी। अब मुझे बहुत ऊपर से नीचे आना पड़ता है, गाड़ी में अगर सामान कुछ छोड़ गया तो मुझे बहुत नीचे आना पड़ता है सामान लेने के लिए, मैं बहुत ऊपर रहती हूँ तो नीचे आना होता है सामान लेने के लिए। एक तो मुझे वो भी लेना था, और ऊपर से मुंह का टेस्ट ख़राब हो रहा था, तो मुझे वो खाने के लिए भी, मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए उसके पास खाने के लिए भी आना चाहिए आना था। और बाकी आप देख सकते हैं मैं कितनी मोटी हो गई थी पहले, अभी बिल्कुल स्लिम हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हो गई हूँ। तो अभी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ और डाइट चार्ट खा रही हूँ, मतलब तेल मसाला घी मक्खन ये सब तो खैर मैं पहले भी नहीं खाती थी, अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, तो मैं उसी के साथ ही चल रही हूँ। तो मुँह का टेस्ट ख़राब होता है तो मैं उसको खाने के लिए कभी कभी खा जाती हूँ। चलिए खाते मिलते हैं।